देखो भाई, अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ मोमेंटम। कि मोमेंटम क्या होता है, हम पहले तो इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन के बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वांटिटी की सिग्निफिकेंस क्या है, ये कहाँ किसे जाता है। मोमेंटम, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्मॉल पी से होती है, और इसको कहा जाता है कि भाई इट इज द प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो मोमेंटम कहलाता है। अब आप ये बोलेंगे, सर ये तो चले ठीक है, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, अगर हम इसको डिफाइन भी करते हैं और इसके हिसाब से फॉर्मूला भी बनाते हैं तो वो सब चीजें सब ठीक है, लेकिन व्हाट इज मोमेंटम। जैसे हमें फोर्स समझ में आई कि इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ पुश और अ पुल, तो मोमेंटम किस तरह की क्वांटिटी है, इसको हम फिजिकली अगर इमेजिन करना चाहें तो कैसे इमेजिन करें। डेफिनेशन से फॉर्मूला तो बन गया हमारे पास कि पी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंटम, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एम आपके पास मास है, और ये वी वेलोसिटी है। अच्छा, ये स्पीड नहीं है भाई, ये याद रखिएगा, ये वेलोसिटी है, फर्क है इसमें। डायरेक्शन बड़ी अहम रोल प्ले करती है मोमेंटम के अंदर, और वेलोसिटी होने की वजह से ही ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम की डायरेक्शन भी होती है। और जहां तक इसके एसआई यूनिट का ताल्लुक है, इसका एसआई यूनिट दो तरीकों से लिखा जाता है, आइदर यू राइट इट एज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और यू राइट इट एज न्यूटन सेकेंड्स। अभी आप इन दोनों चीजों को समझोगे। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड समझना बड़ा आसान है, मास किलोग्राम्स में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, तो जो यूनिट बन गया है मोमेंटम का वो किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड बन गया। न्यूटन सेकेंड को अभी आप आगे थोड़ी देर में समझ लोगे, लेकिन इस बात को फिगर आउट करने के लिए कि मोमेंटम इन टर्म बेसिकली फंडामेंटली प्रॉपर्टी क्या है, मैं थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। मोमेंटम को समझने के दो रास्ते हैं हमारे पास। उन दो रास्तों में एक रास्ता हमारा यह है कि भाई इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी। जस्ट लाइक अगर आप में से कोई कार्टून वगैरह देखता है तो उनको पता होगा द आइडिया ऑफ एलाइजर, सही है, ELIXIR, एलाइजर, एलेक्सर, जो भी आप बोलते हैं उसको, सही है, तो वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर किसी बंदे में मौजूद है, सही, इट्स काइंड ऑफ लाइक द एनर्जी इट हैज, सही, इट्स मोमेंटम इज सिमिलर टू लाइक दैट। लेकिन मैं इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा कि इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। आपकी जो ऑब्जेक्ट, आपकी जो बॉडी मूव कर रही है उसमें स्ट्रेंथ कितनी है मूवमेंट की। क्योंकि तो देखो, मैं इसको दो तरीकों से समझाता हूं। इमेजिन करो कि आई हैव अ टेनिस बॉल इन माय हैंड, आई हैव टू टेनिस बॉल्स इन माय हैंड, मैं एक टेनिस बॉल को रोल करता हुआ आपकी तरफ फेंकता हूं। सिंपल रोल, जमीन पर रखा, मैंने रोल कर दिया, बॉल रोल करती भी है, आपसे आके टकरा गई, ठीक है। दूसरी मरतबा मैं उस टेनिस बॉल को आपकी तरफ थ्रो करता हूँ विद ऑल द माइट दैट आई कैन मस्टर, तीर खींच के हाथ मैंने बॉल आपकी तरफ फेंकी। वो बॉल जब आपको आके हिट हुई, पहले वाली बॉल तो रोल होती हुई आई थी, उसको तो पता भी नहीं चला, लेकिन दूसरी बॉल बड़ी तेजी से आके जब आपको लगेगी तो आपको अच्छा खासा डैमेज करेगी। असल में जब मैं कहता हूँ ना कि मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, तो मैं ये बताना चाह रहा होता हूँ कि मेरा जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी मूवमेंट के अंदर स्ट्रेंथ कितनी, कितनी ताकत से वो चल रहा है। क्योंकि कोई चीज जो बहुत स्पीड से चल रही होती है, जब वो आके आपको हिट करती है तो आपको अच्छा खासा डैमेज कॉज करती है, क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। इस वर्ड को आप लोगों ने मूवीज वगैरह में सुना होगा अक्सर, कि भाई कोई मैच चल रहा है या कोई स्पोर्ट्स की कोई कमेंट्री अगर आप सुन रहे हो तो अक्सर वो कमेंटेटर बोलता है द टीम इज लूजिंग मोमेंटम। एक टीम अगर हारना शुरू हो जाती है, क्रिकेट खेल रहा है भाई, शॉट्स नहीं लग रहे उनसे, फुटबॉल के मैच में भाई पोजेशन नहीं है फुटबॉल की, उनके पास गोल ही नहीं मार पा रहे, बेचारे परेशान घूम रहे, तो उसमें ना एक कमेंटेटर क्या बोल रहा होता है, बोलते हैं द टीम इज लूजिंग मोमेंटम, कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि वो मोमेंटम को उस टीम की स्ट्रेंथ से डिनोट कर रहा होता है कि कितनी ताकत से ये टीम पहले अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रही थी, अपने आप को कैरी कर रही थी, और अब क्या हो रहा है कि वो
कुछ कर ही नहीं पा रहे, इनका मोमेंटम लूज हो गया। और अगर कोई टीम एकदम से बहुत अच्छा खेलना शुरू हो जाती है, बहुत जबरदस्त तरीके से वो भाग रही है, इधर उधर आगे पीछे जाके हिट कर रही, तो हम कहते थे टीम इज गेनिंग मोमेंटम, तो टीम मोमेंटम गेन कर रही, क्या वो उसको रोकना मुश्किल हो गया उस टीम को? उस टीम के लोग जो है वो बहुत तेजी से आगे की तरफ भागते हैं और गोल कर रहे हैं, बॉल की पोजीशन बहुत अच्छी है उनके पास, कोई फुट क्या लगे क्रिकेट का मैच चल रहा है तो भाई आखिर के चार ओवर के अंदर धनाधन आपके पास बाउंड्रीज आ रही है, हम बोलते हैं द टीम इज गेनिंग मोमेंटम। सो द वर्ड मोमेंटम इज समटाइम्स इवन यूज्ड फॉर जनरल पर्सपेक्टिव बिकॉज़ इट्स रिफ्लेक्टिंग यू द अमाउंट और शुड आई से द स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग दैट इज मूविंग, हाउ स्ट्रांगली आर दीज टू थिंग्स और इफ समथिंग इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसके अपने रास्ते से हिलाना, उसको रोकना कितना मुश्किल है आपके लिए। तो जो दूसरा तरीका है ये मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा होता है समझाने के लिए कि विद द स्ट्रेंथ ऑफ मोशन, और ये स्ट्रेंथ ऑफ मोशन मेरे बच्चे सिर्फ मास पर या सिर्फ उसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करती, इसका ताल्लुक मास और स्पीड दोनों के साथ आता है। क्योंकि आप देखो मेरे पास एक बॉलिंग बॉल हो, आप लोगों ने बॉलिंग बॉल देखी होंगी, मैं एक बॉलिंग बॉल को रोल करता हुआ फेंकूं, अच्छी खासी भारी होती है बॉलिंग बॉल, सही, उसको रोल करते वो रोल होती भी जा रही है, दूसरी तरफ एक बुलेट है छोटी है कंपैरेटिवली बॉलिंग बॉल से तो बहुत छोटी है, सही, और उसका मास भी कम है, हल्की है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि बॉलिंग बॉल भारी होते हुए भी उतना डैमेज कॉज नहीं करती जितनी वो छोटी सी बुलेट कॉज कर देती है। तो हमने यहाँ पे एक बात ही समझी कि भाई दिस एंटायर आइडिया ऑफ मोमेंटम इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ मोशन, कि हम ये समझे यार कि खाली ऑब्जेक्ट की स्पीड ही डिसाइड करती है, नहीं, ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ साथ उसका मास भी डिसाइड करता है, फॉर्मूले में दोनों चीजें, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी बोथ, कंबाइंड इफेक्ट है दोनों का जो फैसला करता है कि वो जो चीज मूव कर रही है वो कितनी ताकत से चल रही है। तो अगर दोनों का मास सेम हो तो भाई जिसकी स्पीड ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, अदरवाइज a heavier object and a lighter object can have same amount of momentum. It's just an example ki agar if I had a bowling ball with me, see, if I have a bowling ball with me and this bowling ball was actually rolling towards the forward direction, see, iska main ek mass support kar deta hu, bhai the bowling ball is worth of 2 kilograms and it's moving forward with a velocity of let's say 1 meter per second. See, it's moving with a velocity of 1 meter per second. और दूसरी तरफ we have a very small bullet sort of a pellet over here. ठीक है? And that bullet or that pellet is of let's say for example a very less mass. मैं इस चलो speed बढ़ा देता हूँ. Let's say कि भाई ये move कर रहा है 5 meter per second. थोड़ी सी ज्यादा तेजी से जा रहा है। दूसरी तरफ आई हैव अ स्मॉल पैलेट दैट हैज अ मास ओनली 0.2 किलोग्राम बट दिस पैलेट इज मूविंग प्रीटी फास्ट, सो इट्स मूविंग लेट्स फॉर एग्जांपल एट 50 meters per second. तो अगर मैं इन दोनों का मोमेंटम कैलकुलेट करता हूं मास टाइम्स वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करके, 2 kilograms with a velocity of 5 meters per second, ये हो गया 10 newton seconds. और अगर यही मामला मैं इनके साथ भी करता हूँ यहाँ पे momentum का formula लगाता हूँ mass into velocity के लिए, 0.2 kilograms with a velocity of 50, again the same product, 10 newton seconds. This means a heavier object and a lighter object both can have the same amount of momentum. Because this thing doesn't only depend upon the mass of an object, it depends upon the speed. Pellet ka, chote se pellet ka mass bahut kam tha, lekin speed 10 guna zyada thi. So if these two objects strike you, they're going to cause you the same damage. The momentum depends upon mass and velocity both. You can say ki by a heavier object and a lighter object can have same amount of momentum
if they have different velocities. अगर उनकी वेलोसिटीज अलग अलग है उनका मोमेंटम एक जैसा हो सकता है. तो आई होप दिस गिव्स यू अ ब्रीफ आइडिया ऑफ व्हाट मोमेंटम इज. सही, मोमेंटम की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि वो मूवमेंट की स्ट्रेंथ को बता रही होती है. चलती हुई चीज कितनी ताकत से अपने डेस्टिनेशन की तरफ मूव करती हुई जा रही है. ज्यादा मोमेंटम वाली चीज को अपने रास्ते से हटाना मुश्किल होता है, और जिसका मोमेंटम कम होता है उसको रोकना, उसको डिफ्लेक्ट करना आपके लिए कंपैरेटिवली आसान होता है. मतलब सोचो ना, एक बड़ा हैवी सा भारी सा बंदा आपकी तरफ भागता आ रहा हो, दूसरी तरफ एक दुबला पतला सा कोई छोटा सा बच्चा आपकी तरफ आ रहा हो. भारी से बंदे को रोकने के बजाय आप उसके रास्ते से हटना प्रेफर करेंगे. आपको पता है उसको हिलाना अपने रास्ते से बहुत मुश्किल है. वो छोटा सा बच्चा जो होगा ना, उसको आप कोई मसला नहीं, वो आ रहा होगा आप उसको गोद में उठा लोगे और बोलोगे इसका क्या मोमेंटम है इस बेचारे का, ये आके मुझसे टकराएगा तो ये खुद ही गिर जाएगा, इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसका मास ही नहीं है इतना और वेलोसिटी भी थोड़ी सी है. तो द स्ट्रेंथ ऑफ मोशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द आइडिया ऑफ मोमेंटम. ठीक है भाई, एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ? नो सर. बताएं भाई फिर आप. अब हम मोमेंटम के पर्सपेक्टिव को तो समझ चुके कि मोमेंटम होता क्या है. ठीक है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप किया कि हमारे जहन में मोमेंटम की फंडामेंटल आइडियाज जो है वो क्या है. अब हम आगे की तरफ बात करेंगे कि भाई जब ये ऑब्जेक्ट अपना मूव जो कर रहा होता है, अगर ये बाय चांस किसी जगह जाके टकराता है या उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है या उसकी स्पीड बढ़ जाती है, मतलब इन शॉर्ट अगर उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज वगैरह इंकर होता है, तो हम उसको कैसे समझें कि बस के मोमेंटम में चेंज कितना है. मतलब अब हमारी जो गुफ्तगू है वो चेंज इन मोमेंटम के ऊपर मूव करेगी. ठीक है, जब आप चेंज इन मोमेंटम की बात करते हो, मैं इसकी मिसाल कुछ ऐसे देता हूं कि समथिंग वाज काइंड ऑफ लाइक रोलिंग अप अ स्लोप. कोई चीज थी उसको मैंने स्लोप की तरफ जो है वो ऊपर की तरफ रोल करवाया, या चलो ऊपर से नीचे की तरफ उसको मैंने ड्रॉप होने दिया. ऑपोजिट देख लेते हैं उस चीज को, वो ज्यादा आपके लिए इमेजिन करना आसान हो जाए कि भाई वी हैव समथिंग दैट वाज एक्चुअली रोलिंग डाउन अ स्लोप. When it was over here, this object had an initial velocity of u. And लाजमी सी बात है जब वो नीचे आएगा तो भाई इसकी initial velocity बढ़ चुकी होगी. And that's going to be equals to v. अब उसकी velocity v हो चुकी होगी. And the mass of this object was m. तो अगर मैं चाहूं इसका मोमेंटम, तो मैं बता सकता हूं भाई यहां पे इसका मोमेंटम था मास मल्टीप्लाई बाय इसकी वेलोसिटी, मैं इसको mu लिखूंगा. और यहां पे अगर हम लिखेंगे तो उसको हम लिखेंगे m टाइम्स v. कि भाई ये मेरा इनिशियल मोमेंटम था, ये मेरे ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम. सो एक तरफ मेरे पास इनिशियल मोमेंटम है, एक तरफ मेरे पास फाइनल मोमेंटम है. अगर मुझे वो बोलते हैं कि भाई आप चेंज इन मोमेंटम बताइए, मोमेंटम में चेंज कितना है, चेंज निकालने का तो एक आसान सा रास्ता है ना हमारे पास, चेंज इज बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल.
फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है चेंज डिटरमिन करने का. फाइनल मोमेंटम इज एम वी, इनिशियल इज एम यू. इनिशियल मोमेंटम सिर्फ इसलिए अलग से लिखा गया क्योंकि उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी आपकी डिफरेंट थी, बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटी आपने इसको एक डिफरेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी. जब आप मास कॉमन निकालोगे इसमें से, दैट विल बिकम एम वी माइनस यू. ये आपके पास चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने का एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि भाई हमारे ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज आया, दैट्स बेसिकली कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला एम वी माइनस यू. अब इस फॉर्मूले को मैं मुख्तलिफ जगहों पर अप्लाई करके दिखाता हूं. पहले हम बात करेंगे भाई इफ एन ऑब्जेक्ट स्पीड्स अप, उसका चेंज इन मोमेंटम आप निकाल. स्पीड अप वाला मामला मैं इसी एग्जांपल को पिकअप कर लेता जो मैंने अभी यहां बनाई थी. देयर वाज अ रैंप एंड द बॉल वाज रोलिंग डाउन दैट रैंप. दैट बॉल हैड अ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फॉर एग्जाम्पल 2 meters per second. And when it reached downwards, जब वो नीचे पहुंची, reached the bottom of this ramp, तो भाई इस वक्त इसकी जो स्पीड है वो लाजमी बातें बढ़ चुकी होगी. It will be greater, और मैं कहता हूँ भाई इसकी velocity अब 2 से बढ़ के हो गई है 6 meters per second. ठीक है, and the mass of the ball that I had with me was, let's say, 0.2 kilograms. मुझे बोला जाता है भाई चेंज इन मोमेंटम निकालिए. इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी टू कैलकुलेट. आई नो द फॉर्मूला, दैट इज एम वी माइनस यू. सही, हमने इसको लिख दिया भाई एम वी माइनस यू. हमारे पास मास वाज 0.2 किलोग्राम, हमारी फाइनल वेलोसिटी वाज 6, इनिशियल वाज 2, हमने सब्ट्रैक्ट किया इसको, दैट्स 4. 4.2 हो गया 0.8 न्यूटन सेकेंड्स. ये आ गया मेरे पास चेंज इन मोमेंटम. और इसको हम कहते हैं भाई ऑब्जेक्ट गेन्ड मोमेंटम. इसको अब ये भी कह सकते हैं भाई ऑब्जेक्ट ने मोमेंटम गेन किया क्योंकि इट्स अ पॉजिटिव चेंज, उसकी स्पीड बढ़ी है. लेकिन अगर इसकी जगह रिवर्स हो रहा होता कि आपका ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा होता. ठीक, मैं मिसाल देता हूं ऐसी कि आपने बजाय बॉल को ऊपर से नीचे तक आने देने के लिए आपने उसका रिवर्स किया था. यू एक्चुअली रोल्ड द बॉल अपवर्ड्स. यू रोल्ड द बॉल अपवर्ड्स, यू पुश दैट बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 meters per second अपवर्ड्स, एंड इवेंचुअली ये बॉल जाके यहाँ पे रेस्ट पे आ. आप रेस्ट का मतलब समझते हैं, रेस्ट मींस नॉट मूविंग, सही है, रुक जाना. तो मैं कहता हूं भाई मेरे ऑब्जेक्ट को मैंने जमीन से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया था, एंड इट रोल्ड ऑन दैट स्लोप और ऊपर जाके वो बॉल रेस्ट पे आ गई थी. और मुझे वो बोलता है भाई आप जरा हम यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम जरा निकाल के बताइए कितना चेंज आया मोमेंटम. ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास सेम है एम वी माइनस यू का. हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो मास है मैं कहता हूँ वही सेम बॉल वॉज of 0.2 kilograms. तो 0.2 kilogram का mass, मेरी final velocity zero है, क्योंकि मेरा object rest पर, finally वो rest पर आ गया, और मेरी initial velocity 10 है. और यहाँ पे अब आप अगर देखो, that's going to be minus 2 newton seconds. नेगेटिव साइन मुझे बता रहा है कि यार आपका मोमेंटम जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो. योर ऑब्जेक्ट एक्चुअली लॉस्ट इट्स मोमेंटम. आप इस तरह से इसको कंक्लूड कर सकते हैं, मोमेंटम इज लॉस्ट.
लेकिन रिमेंबर माय डियर वंस, मोमेंटम वाज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, नॉट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पीड. तो यहां पे एक चीज आपको और आनी चाहिए, एंड दैट इज इफ समथिंग struck the ground and rebounded. मतलब if there were, अभी तो मैंने ये कह रहा है ना, I slowed down your object or I speeded up it. तो अगर मैं बोल दूँ कि भाई my object, it, this ball actually fell and struck the ground. ठीक है, it struck the ground with a velocity of, let's say for example, 10 meters per second. And then it rebounded. The ball rebounded back up. ठीक है, it rebounded. With a slightly lesser velocity, that is 8 meters per second. Same mass, no difference at all whatsoever. 0.2 kilograms. मुझसे बोला जा रहा है बस figure out the change in momentum. If someone plans on applying the same formula in the same old way, जैसे अभी हम करते आ रहे थे, भाई mass रखा, point final रखा, 8 initial रखा, 10 और answer निकाल दिया, this would be wrong. अब आप बोलेंगे सर क्यों, फाइनल वेलोसिटी तो 80 है ना और इनिशियल तो 10 ही है. द प्रॉब्लम इज ये स्पीड्स है. अगर आप सिर्फ 8 और 10 देखो, आप इस बात पे तो गौर करो कि ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन चेंज की है. आपका मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, मास और स्पीड का प्रोडक्ट नहीं है. अगर वो मास और स्पीड का प्रोडक्ट होता तो बात अलग होती. वेलोसिटी का प्रोडक्ट होने का मतलब ये है कि जब कॉलिजन के बाद ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है, उस डायरेक्शन का चेंज वेलोसिटी में रिफ्लेक्ट तो करो. और वो चीज आप साइन की मदद से रिप्रेजेंट करते हो, द प्लस एंड द माइनस साइन. हम एक्सेलरेशन के पक्ष पढ़ते हुए भी इस बात को हमने ध्यान दिया था कि व्हेन समथिंग चेंजेस डायरेक्शन तो उसकी वेलोसिटी का साइन चेंज कर दीजिएगा, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर दीजिएगा. इसीलिए अब हम यहां पर अगर इस चीज को लिखते हैं तो हम अगर इस वक्त चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो सबसे पहला काम हमने यहां पे यही करना है, इसमें साइन लगाना है. हर इज यस यू कैन डू दैट बेटा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं. यू कैन राइट किलोग्राम मीटर पर सेकंड इंस्टेंट ऑफ न्यूटन सेकंड्स, इट्स परफेक्टली ऑल राइट. तो अब यहां पे किसको कौन सा साइन देना है, सबसे पहले तो आप अपना कन्वेंशन सेट करें. लेट्स से आई सेट इट माय कन्वेंशन कि भाई आई एम गोना टेक द अपर डायरेक्शन एज पॉजिटिव फॉर मी. जैसे आप प्लस वाई को पॉजिटिव यानी बोलते हो एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव. ये मेरा कन्वेंशन मैंने सेट कर दिया, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव. इस वजह से मेरे पास मेरी फाइनल वेलोसिटी प्लस साइन के साथ आएगी, मेरी इनिशियल वेलोसिटी माइनस साइन के साथ आएगी. ये साइन मैंने कन्वेंशन सेट करके अप्लाई. क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको साइन की वैल्यू नहीं देगा, तो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप खुद सोचें कि साइन क्या लगना चाहिए. और अब आप यहां पे इसको रखें, जब आप इसमें आप प्लेस करेंगे इस चीज को, तो यहां पे मोमेंटम इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड चेंज ऑफ वेलोसिटी. चेंज इन मोमेंटम आप निकाल लोगे यहां से, मास वाज 0.2, योर फाइनल वेलोसिटी इज 8, योर इनिशियल इज -10. ये हो जाएगा 8 प्लस 10 18, 18 टू 36, दैट इज गोना बी 3.6 न्यूटन सेकंड. दिस इज आवर आंसर. तो व्हेनेवर वी हैव अ चेंज ऑफ डायरेक्शन एलोकेट अ साइन, डू नॉट फॉरगेट अबाउट दैट. इफ डायरेक्शन चेंजेस, use plus or minus sign with velocities. Velocity चाहो, plus or minus sign का इस्तेमाल जरूर कीजिए.
एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ रिगार्डिंग कि भाई चेंज इन मोमेंटम कैसे निकाला जाएगा? इफ यू हैव एनी क्वेरी डू आस्क. सर यस, आप क्या जो थर्ड पॉइंट है आप बस इसका समझा सकते हैं? वो प्लस माइनस साइन का वो समझ नहीं आया. देखो व्हेन योर बॉल स्ट्रक एंड रीबाउंडेड ना, तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी. इट वाज फॉलिंग डाउन, नाउ इट्स मूविंग अप. अब क्योंकि यू आर डीलिंग विद वेलोसिटी ओवर हियर, तो वेलोसिटी तो बगैर साइन के नहीं लिखी जाती क्योंकि उसमें डायरेक्शन होती है. डायरेक्शन जब तक आप प्लस या माइनस साइन लगा के दिखाओगे नहीं, उस वक्त तक वो कैसे ठीक होगा? तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन चेंज की थी, तो मैंने अपना कन्वेंशन यूज कर लिया और उस कन्वेंशन के हिसाब से अपनी वेलोसिटीज को साइन एलोकेट किया. मैंने बोला भाई ठीक है, जैसा मैं कन्वेंशन जनरली लेता हूँ कि अपवर्ड डायरेक्शन मैं पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ, डाउनवर्ड पर नेगेटिव, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, फाइनल पॉजिटिव हो गई. और मैंने चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया उसके ऊपर, एम वी माइनस यू. दिस हेल्प मी Now to calculate the change in momentum in the correct way. अगर साइन लगाए बगैर करोगे तो आंसर गलत आएगा. पहले और दूसरे में आपको साइन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी थी क्योंकि ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन चेंज नहीं की थी. फर्स्ट केस में ऊपर से नीचे ही आ रहा था, दूसरे केस में नीचे से ऊपर ही जा रहा था, तो उसमें डायरेक्शन का चेंज नहीं आया. ओके सर, ठीक है. तो वी अंडरस्टूड व्हाट द फंडामेंटल आइडिया ऑफ मोमेंटम वाज. वी आल्सो अंडरस्टूड के भाई हाउ टू फिगर आउट द चेंज ऑफ मोमेंटम. अब हम इसको जरा रिलेट करेंगे टू समथिंग कॉल्ड फोर्स, समथिंग वेरी वेरी फेमिलियर विद अस. जब हम फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अब हम फोर्स को थोड़ा डिफरेंट अंदाज में पढ़ेंगे. पहले हम कहते थे भाई फोर्स क्या है, इट वाज अ पुश और अ पुल, ठीक है. नाउ वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी फोर्स लाइक दैट. हम इसको एक पर्सपेक्टिव देंगे, हम बोलेंगे भाई फोर्स इज बेसिकली, या ये कह लो कि रिजल्टेंट फोर्स rate of change of momentum is called force. Rate of change of momentum is called force. अब आप बोलेंगे सर ये डेफिनेशन का मतलब क्या बनता है इसका, rate of change of momentum is called force. Mathematically speaking ये कुछ ऐसी चीज दिखी है कि by your F is basically delta P by delta T. जैसे rate of change of velocity acceleration होता था, rate of change of distance speed होता था. rate of change का मतलब क्या था, change with respect to time. आप momentum upon time कर दोगे यहाँ पे, change in momentum upon time taken, तो आपके पास जो चीज आएगी that's the force. और इस force को आप अक्सर सिर्फ force नहीं बल्कि resultant force कहते हैं. वो फोर्स जिसने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में चेंज क्रिएट किया है, या उसकी वैल्यू को स्लो डाउन किया है उसको, या उसको स्पीड अप किया है, वो आप रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं. तो मोमेंटम में कितना चेंज आया और टाइम कितना लगा, दैट बेसिकली हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फोर्स. क्योंकि फोर्स का काम ही यही है. हम ओ लेवल्स में जब पहले शुरू शुरू में आप इनिशियल क्लासेस में पढ़ते थे कि भाई फोर्स व्हाट कैन अ फोर्स डू, तो आप बोलते थे फोर्स कैन स्टार्ट अ स्टॉप्ड ऑब्जेक्ट, a force can stop a moving object, force can change its direction. You aap kya kar rahe the us waqt, you were actually talking ke bhai force can change the momentum of an object, because of the force you can either accelerate or decelerate an object, you can slow it down, you can speed it up, or you can change the course of that object, you can change its direction. To in teenon cheezon mein momentum change ho raha hai uska. Wo slow down ho raha hai to momentum change hua, वो स्पीड अप हो रहा है तो मोमेंटम चेंज हुआ, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई तो मोमेंटम चेंज हुआ. एवरी टाइम व्हेन देयर वाज अ चेंज इन वेलोसिटी देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम. तो फोर्स क्या है, फोर्स आपका
मोमेंटम को चेंज करने के लिए होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स कहलाती है कि आपने जो मोमेंटम में चेंज क्रिएट किया वो कितनी जल्दी किया। इफ यू आर एबल टू ब्रिंग अ चेंज इन मोमेंटम इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इसका मतलब भाई कि यू हैव अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टेड अपॉन इट। जैसे कि इमेजिन दैट यू आर जंपिंग ऑन अ ट्रैम्पोलीन, सही, एंड व्हेन यू जंप अप एंड यू लैंड बैक ऑन द ट्रैम्पोलीन तो क्या होता है, यू ग्रेजुअली यू स्लोली रिड्यूस योर वेलोसिटी डाउन टू जीरो, क्योंकि वो इलास्टिक होता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो खिंचता है और आप उस ट्रैम्पोलीन पे जब वापस गिरते हो तो ग्रेजुअली अपने आप को स्लो डाउन करके जीरो कर देते हो अपनी वेलोसिटी को, तो मोमेंटम तो आपका चेंज हुआ सही, लेकिन टाइम ज्यादा लगा, इसलिए जो फोर्स आप पे एग्जर्ट हुई थी वो कम थी। लेकिन इमेजिन जंपिंग ऑन अ ट्रैम्पोलीन एंड यू एक्सीडेंटली लैंड बैक ऑन द ग्राउंड, दैट्स गोना हर्ट, because if you were jumping on the trampoline and suddenly you bounced off and you hit the ground, ab kya hoga, your momentum would suddenly go down to zero, gradually nahi ekdam se momentum aapka zero hoga, in a very short amount of time all of your momentum would go down to zero, change bahut kam waqt mein aayega, iska matlab force bahut zyada lagi, aur ye hota hai, it hurts a lot because there is a very large amount of force acting upon you when you hit the ground, you kya ka momentum ekdam se change hota hai, to jo force ka perspective hai mere bachche wo perspective yahi hai ki aap momentum jo change kar rahe ho kitni der mein kar rahe ho, if the change happens in a short time iska matlab hai momentum aapke paas force bahut zyada thi, if the change in momentum happens in a long time iska matlab force kam thi aapke paas, एंड वाइस वर्सा आप उसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि भाई अगर आप फोर्स ज्यादा लगाओगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आप कम टाइम में उसका मोमेंटम चेंज कर सकते हो, एक चलती हुई गाड़ी को स्लोली ब्रेक करो, ब्रेकिंग करो उसकी, तो आहिस्ता 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 करके जाके आपकी गाड़ी रुकती है, आपने कम फोर्स लगाई उसका मोमेंटम देर में जीरो हुआ, लेकिन इफ यू जैम ऑन योर ब्रेक्स एकदम से आप अपने पैडल्स पे पैर डाल दो सही और ब्रेक लगाओ, इफ यू अप्लाई वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स स्पीड एकदम से ड्रॉप होती है, यू गेट द चेंज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो यहां पे हम यही कहते हैं कि भाई इफ मोमेंटम चेंजेस इन अ शॉर्ट टाइम अप्लाइड फोर्स इज मोर, and vice versa, agar momentum bahut kam time mein change hota hai iska matlab force bahut zyada lagi thi, and vice versa ka matlab agar momentum tez se change ho raha hai to force kam lag rahi thi aapke paas, aur wo jo newton second wala unit tha wo yahan se aaya hai ki agar aap momentum ka dekho to force aur time ka product hai, force multiply by time take, that's momentum, तो न्यूटन और सेकंड का प्रोडक्ट आपको मोमेंटम बता देता है, वो जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो या न्यूटन सेकंड हो वो यहां से बनता है। तो ये एक नया डोमेन है, एक नई डेफिनेशन है आपके पास फोर्स की, जो आपको मैं समझता हूँ कि अब आपको पता होनी चाहिए, और यहीं से एक छोटी सी चीज और निकलती है, बल्कि इसके जो क्वेश्चन है मैं चाहूंगा कि वो मैं आपको भी पीछे जो है हमने कुछ एग्जांपल्स की थी उन्हीं एग्जांपल्स को हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेते। आई एक्सप्लेन्ड यू व्हेन योर ऑब्जेक्ट स्पीडेड अप ठीक है, और यहां से हम फोर्स कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं इसकी, सो वी हैड दिस ऑब्जेक्ट और आपके ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम था वो गेन हुआ था ना, लेट्स से ये चीज अकर हुई थी, इस चीज को होने में जो टाइम लगा मतलब फॉर द बॉल टू रोल डाउन एंड इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 to 6, मैं कहता हूँ भाई इस चीज को जो टाइम लगा था हमारे पास इट टुक इट ओनली 2 seconds, 2 seconds के अंदर आपके पास ये चीज चेंज हुई। बच्चे बोलते हैं फोर्स बताइए, बच्चे के भाई फोर्स बता देते, फोर्स बताना क्या मुश्किल काम है, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, आपने चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लिया है ऑलरेडी
नहीं निकाला होता तो आप फॉर्मूला रख के निकाल देते हैं यहाँ पे, आप एम वी माइनस यू करते और नीचे टाइम से डिवाइड कर देते। लेकिन अभी हम निकाल चुके हैं तो मैं दोबारा मेहनत नहीं कर रहा उस चीज की। 0.8 आया था चेंज इन मोमेंटम और 2 सेकेंड में हुआ है ये, तो मेरे पास जो फोर्स आ गई दैट फोर्स इज 0.4 newtons। ये मेरे पास फोर्स, मतलब वो ये जो ऑब्जेक्ट नीचे रोल होता हुआ आ रहा है इस पे जो फोर्स लग रही होगी उसको नीचे लेकर आने के लिए, दैट वुड हैव बीन इक्वल टू 0.4 newtons। 0.4 newtons की फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे रोल होता हुआ है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड 2 meters per second से बढ़ के 6 हुई। और अगर इसी तरह दूसरा स्लो डाउन हमारा केस देखते, जो ये आपका सेकंड केस था, कि भाई ये बॉल रोल्ड अप से टू अ सर्टेन हाइट एंड दे वांटेड यू टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कह लो के फोर्स इन दिस सिनेरियो एज वेल। और मैं बोलता हूँ भाई यहाँ पे जो चेंज आया है आपके पास, that delta t is, let's say for example again of 2 seconds, 2 seconds ke andar your object slowed down and came to rest as it was rolling upwards. To agar mujhe examiner bolta what was the force that was slowing it down, see kaun si force thi jo usko slow down kar rahi thi, so I couldn't calculate that using the formula delta p over delta t ke momentum kitna change hua tha. अगेन आप इस फॉर्मूले को रख के निकाल सकते थे चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस यू से, लेकिन मैंने वही बोला मैंने जब निकाला हुआ है तो मैं क्यों मेहनत करूं। तो भाई 2 का चेंज आया था और 2 seconds का टाइम लगा था तो फोर्स लग रही थी 1 newton। ये माइनस का साइन सिर्फ ये बता रहा है कि फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी मूवमेंट, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था फोर्स पीछे लग रही थी तभी तो वो रुका। The minus sign indicates that your object was experiencing a force in the backward direction, while your object was moving in the forward positive direction. जबकि यहाँ पे you had a plus sign, which was showing कि आपका object अगर इस direction में जा रहा था and you took it as positive, आपकी force भी इसी direction में थी. 0.4 newton की force was in the same direction. इसलिए वो positive answer आया. And if you look at the third case, where the object struck and rebounded, and someone wanted me to calculate, sir, इसमें बताएं कितनी force लगी होगी कि the ball hit the ground and rebounds, say with a certain velocity, and let's say कि sir यहाँ पे इस बॉल को कोलिजन में जो टाइम लगा इट वाज वेरी लेस 0.1 सेकेंड, क्योंकि बॉल जमीन पे टकरा के जब रिबाउंड करती है तो इट्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक लम्हे के लिए जमीन के साथ कांटेक्ट में आई थी। वी ऑल ऑब्जर्व दैट जमीन पे चीज गिर के जब रिबाउंड करती है इतना कोई लंबा टाइम डिले थोड़ी होता उस, इट्स काइंड ऑफ लाइक वेरी इमीडिएट। तो अगर वो मुझे बोलता है भाई आप सर निकालिए इसमें कैलकुलेट कीजिए द चेंज द फोर्स दैट एक्चुअली वाज एक्सर्टेड ऑन दिस ऑब्जेक्ट, भाई ठीक है भाई फॉर्मूला लगा दो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, कितना चेंज इन मोमेंटम था फॉर्मूले से निकाल सकते थे, हमने नहीं निकाला था, हमने पहले से निकाला हुआ है इसको ऑलरेडी, यहाँ नहीं रखूंगा मैं डायरेक्टली बोलूंगा भाई 3.6 newton second का चेंज आया। कितनी देर में आया था भाई सर 0.1 सेकेंड लगे थे इस चीज के लिए, तो भाई फोर्स कितनी हो गई हमारे पास 36 newtons। मतलब मेरे इस ऑब्जेक्ट पे जब उसने रिबाउंड किया होगा तो देयर वाज अ फोर्स ऑफ 36 न्यूटन्स एक्टिंग अपवर्ड्स, पॉजिटिव आई है ना वैल्यू, वो जो बॉल थी हमारी उस पे 36 न्यूटन्स की जो फोर्स थी वो एग्जर्ट हुई होगी। अपॉन कोलिजन ग्राउंड ने उसके ऊपर 36 न्यूटन्स की फोर्स अप्लाई की। यहां तक कोई बात ऐसी हो जो ना समझ में आई हो तो वो पूछ लो।
ठीक है, इफ देयर इज नो कंफ्यूजन अप टिल नाउ, तो वी विल कीप द लेसन टिल हियर. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, कल की क्लास में वी विल बी टेकिंग इट अ बिट फर्दर. कल इंशाल्लाह मोमेंटम का कंटेंट भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है मेरे जवानों, ख्याल रखना बेटा अपना. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ सर.